मेरे इस ब्लॉग में मुनकन वन की तरफ आप सब ने मीठी मीठी सी राम राम। और इस मीठी मीठी सी राम राम के साथ आप सारा का मेरे इस ब्लॉग पर हाथ जोड़कर स्वागत है। और आज मैंने जो ब्लॉग बनाया वो सरपंचा के ऊपर बनाया है कि सरपंची ने लेकर ने किस प्रकार गाँव में जो बड़े बड़े हादसे होने लग रहे हैं और किस प्रकार जो अपना भाईचारा आपस का गाँव में वो ख़त्म होने लग रहे हैं। देखो आप सब ने बेरा है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और सरपंची का जो इलेक्शन है हर गाँव में होने लग रहे हैं, लेकिन इस सरपंची के इलेक्शन ने लोग गाँव में सरपंची के जो इलेक्शन है उसके ऊपर इतना रिस्क उठा रहे हैं कि उनके इस इलेक्शन के चलते चलते वे भूलने लग रहे हैं कि वो अपने इस भाईचारा है जो गांव में उसने ख़त्म करने लग रहे हैं। उनका दिमाग तब आज जमाई लिगड़ रही है कि अब एक हमने एक गाँव में रहना है और आपस में एक दौरा का दूसरा दौरा रहना है, लेकिन फिर भी वे आपस में इस सरपंच के इलेक्शन ने लेकर ना आपस में बैर बांधने लग रहे हैं और एक दूसरे का जो आपस का भाईचारा वो ख़त्म करने लग रहे हैं। वह जमाई भूल गई इस बात ने कि सरपंच का जो इलेक्शन है या सारे इलेक्शन जो से इलेक्शन हुए हैं वो 5 साल के बाद दोबारा फिर आवे हैं। वह भूलने लग रहे हैं कि सरपंच का इलेक्शन 5 साल दोबारा फिर होगा और फिर एक नया जो सरपंच है गाँव में चुना जाओगा, लेकिन उस इलेक्शन के चलते जो तम तारा भाईचारा आपस में ख़त्म करने लग रहे हो शायद यो दोबारा वापस नहीं आओगा। जो कड़वा तम आपस में बनाने लग रहे हो दूसरे के प्रति शायद उसमें कदे मिठास नहीं आ पाओगी, लेकिन सरपंच इलेक्शन 5 साल के बाद फिर दोबारा भी आओगा। तो आप सब तय हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि ये जो सरपंच का इलेक्शन पे गोली चलने लग रही है, हत्या होने लग रही हैं, कई कई जगह तो मैंने सुना है कि एक गांव है मेरे याद को नहीं, उस गांव में तो बाबू भी गायब कर दिया और बेटा भी गायब कर दिया। वो सरपंच पद खात के उम्मीदवार थे, उस गांव में तो वो बाबू बेटा है वो दोनों गायब हो गए हैं। बाबू जो है वो मिल गया है गंभीर हालत में, लेकिन बेटा है जो उसका आज लग नहीं मेरा। तो यह सरपंच का इलेक्शन तो हर साल आवे है, 5 साल में आवे है, लेकिन एक बार सोच कर देखो जिस घर ने अपना बेटा खो दिया इस सरपंच ने लेकर ने वो दोबारा नहीं आऊँगा। तो आप सारा तय आज जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस इलेक्शन के चक्कर में अपने बीच का जो भाईचारा है उसने ख़त्म ना करो, एक दूसरे तक दुश्मनी ना मोल लो, क्योंकि यह दुश्मनी सिर्फ तारे तारे बीच में नहीं रहोगी, शायद यह दुश्मनी आगे वाली पीढ़ी ने भी भुगतनी पड़ सका है। क्योंकि अपन एक गांव में रहना है और एक गांव में रह कर अपना बैर लेना बहुत गलत बात है, क्योंकि गांव में भाइयां भी ना निसरा करता। अगर आप दुश्मन बनावेंगे तो शायद कोई अपना कोई मुसीबत है उसमें साथ नहीं देगा। तो इलेक्शन का के हैं ये तो आते जाते रह कर, लेकिन जो अपना भाईचारा है उसने बना कर रखो। अगर एक बार भाईचारे के बीच में गांव में भाइयां भी ना निसरा करता, अगर आप दुश्मन बनावेंगे तो शायद कोई अपना कोई मुसीबत है उसमें साथ नहीं देगा। तो इलेक्शन का के हैं ये तो आते जाते रहा कर, लेकिन जो अपना भाईचारा है उसने बना कर रखो। अगर एक बार भाईचारे के बीच में दरार पैदा होगी तो शायद कदे नहीं दूर हो सकेगी। तो आप सारा तय मेरी इस ब्लॉग में बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन ने इतना सीरियसली ना लो जिसके कारण उनका जो प्रभाव अपने रिश्ते पर पड़े और वे कमज़ोर हों और बीच में उनके दरार आवे, क्योंकि भाई ये भाई के एक दिन काम आया करे हैं। और बहुत सी जगह तो मार पिटाई गोली गाली चल गई, इतनी इतनी मैंने कांड सुनी है बहुत ज़्यादा। तो आप सब तय मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ हाथ जोड़ कर मेरी इस बात ने थोड़ा सा गोल करियो मेरी इस ब्लॉग पर, और एक बार इस वीडियो ने जरूर ध्यान से सुनियो और एक बार सोच कर देखियो कि इलेक्शन के चक्कर में तुम कितना बड़ा काम लग रहे हो करण, जो अपना भाईचारा उसने जड़ तक ख़त्म करन लग रहे हो, इसका असर अपने आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ सका है। तो आप सब तक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इलेक्शन ने इलेक्शन की तरह लड़ो, वोट दो, क्योंकि वोट देना अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, इसने कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ जीत देना हो तो दो, लेकिन नू ना करो कि भाई इस वोट के चक्कर में बंदूक और गोली चल है और खून खराबा हुआ है। तो सहमति तय अपने जो गांव में सरपंच बनाओ, सहमति तय बनाओ, आराम तय बनाओ, बड़े प्यार तय बनाओ, और जो सरपंच चुनो वो भी एक ऐसा सरपंच चुनिया करो, अपना वोट ऐसे सरपंच ने उम्मीदवार ने दिया करो जिसने अपने लाग सके कि इसने वोट देने अपने जो गांव का वो विकास होगा। तो आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना है, और आप तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खून खराबा और लड़ाई दंगा छोड़ कर आपस में भाईचारा ने बनाओ, क्योंकि आज जो लास्ट हुआ है, जो लास्ट हुआ है ना वो भाईचारा ही काम आया करा है। जो लास्ट हुआ अपना उसमें जो आखिरी दिन हुआ है ना उसमें जो भाईचारा ही काम आया करा है, ये वोट ये इलेक्शन नहीं काम आया कर दे।
हाँ या मन हूँ के सरपंच बनवाना अपने गांव में एक परंपरा और आप बनावांगे सरकारी अधिकार है, लेकिन इसके चलते अपने बीच में जो दरार पैदा करने लग रहे हो रिश्ता के वाह ना करो। तो आज के मेरे इस ब्लॉग में बस इतना ही है। अगर आप सारा का थोड़ी बहुत समझ में आ जावे तो कमेंट जरूर करके बताइयो। अगर मेरी मन ने कोई गलत बात कह दी हो तो उसके खातर हाथ जोड़ कर सॉरी, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइयो कि आपने मेरा ये ब्लॉग किसा लगा, और लाइक शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।